हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे रह करके अपनी बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। और जिस तरीके से हम लोग YouTube पे बच्चों आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग अपनी सॉलिड स्टेट चैप्टर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, इस लॉकडाउन के पीरियड को आपने एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह से देखना है कि भाई, जो लोग स्कूल जाते समय अपना रिवीजन नहीं कर पाते थे, क्लास 11th में स्कूल जाते वक्त जो टॉपिक उनके वीक रह गए थे, इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों उनको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। और इसके लिए आप लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए आप लोग हेल्प लीजिए यूट्यूब की। बच्चों इनफ वीडियोस पड़े हुए हम लोग के चैनल पे, वीडियोस पड़े हुए दूसरे चैनल्स पे, वीडियोस पड़े हुए, इन सब का बच्चों अपने इस्तेमाल करते हुए अपने घर पे ही बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके लिए किसी भी पैसे खर्च करने की, किसी कोर्स लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जितना मैंने बच्चों यूट्यूब पे जाना है, इतना इनफ बच्चों मटेरियल मौजूद है यूट्यूब पे कि अगर आप उसको ध्यान से पूर्वक देखें, तो अपनी सेल्फ स्टडी करें और जो बुक्स लगाएं, जो हम लोग बोलते हैं एन अवस्थी होगी सवालों के लिए, रंजीत साई होगी ऑर्गेनिक के लिए, एम एस चौहान होगी, इन सब बुक्स को आप लगाएं। और यूट्यूब पे इतना इनफ मटेरियल मौजूद है बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने क्लास 11th के आपके पास नोट्स हैं, आपने लेक्चर्स वगैरह किए हुए, तो जो कुछ भी वहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी खामी रह गई थी, वो बहुत बढ़िया से बच्चों आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी चीज़ों को कम्प्लीट कर सकते हैं। सो इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों आज का वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। ये ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि यूनिट सेल के बारे में बच्चों सबसे एक धांसू वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर को एकदम पूरी तरह से समझेंगे, प्लस साथ ही साथ नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होता है इस यूनिट सेल का, इसको बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक जानेंगे और पूरा का पूरा यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर की सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे। सो एक ज़बरदस्त वीडियो बच्चों होने वाला है। आई होप बच्चों आपके साथ इस वीडियो में हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो भाई पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, उम्मीद है बच्चों आपको देखने बहुत मज़ा आएगा। सो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आ गए हम लोग अपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में यूनिट सेल के बच्चों कंप्लीट रिवीजन और सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे। ठीक है, सो आज दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। भाई देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन से पहले मैं बच्चों बेसिक चीज़ों को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यहाँ पे कितने एटम पर यूनिट सेल हैं। सो इसको हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बच्चों जाना था, एक बार जल्दी से इसको जान लेते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का जो दोस्तों यहाँ पे आता है, वो आता है बच्चों 8 × 1/8 के हिसाब से 1। सो देर आर 1 एटम पर यूनिट सेल, देर आर 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है भाई, ये चीज़ हमको याद रखनी है क्योंकि एवरी कॉर्नर पर हमारा 1/8 एटम है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, कॉर्नर पे ये जो एटम मौजूद है, ये एटम का एक स्फीयर का हेमीस्फीयर लेना है, फिर इस हेमीस्फीयर को आपने 1/4 कर देना है। तो ऐसा करने पे दोस्तों यू विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप। ठीक है, और यही बच्चों हमारा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हाफ का 1/4 मतलब 1/8 होता है। अगली चीज़ बच्चों होती है हमारी सेल रिलेशनशिप। अगली चीज़ दोस्तों हमारी होती है क्या, यहाँ पे सेल रिलेशनशिप। ठीक है, सेल रिलेशनशिप के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों, एटम के पैरामीटर्स और क्यूब के पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सो इसके लिए बच्चों हमको क्या ध्यान देना होता है, इसके लिए भाई हमको ध्यान देना होता है टचिंग पे। भाई टचिंग कहाँ पर हो रही है दोस्तों, हमारे यूनिट सेल में टचिंग कहाँ हो रही है। सो टचिंग दोस्तों हो रही है हमारी अक्रॉस एज, एज के अक्रॉस टच हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों जो रिलेशनशिप अपनाएगा वो दोस्तों अपनाएगा ए बराबर, दैट मीन्स सेल लेंथ बराबर 2R। सो ए बराबर 2R, ये दोस्तों हमारा सेल रिलेशनशिप आता है। अगली चीज़, अगर मान लीजिए कोई हमसे लैटिस की डेंसिटी, दोस्तों अगर मान लीजिए कोई हमसे लैटिस की डेंसिटी या फिर यूनिट सेल की डेंसिटी अगर पूछता है, दोनों चीज़ें ही सेम होंगी, बिकॉज पूरे के पूरे क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी वो उसके एक छोटे से पीस की भी डेंसिटी होगी। डेंसिटी भाई हर जगह सेम होती है, हम पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी निकालें या फिर उसके एक छोटे से टुकड़े की डेंसिटी निकालें, सबकी सेम होती। सो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, सो दैट्स वाई। सो मैं अगर सिर्फ यूनिट सेल की डेंसिटी निकालूंगा तो वो भी हमारी लैटिस की डेंसिटी के ही बराबर आएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी, सो द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों डेंसिटी। ठीक है भाई, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी, भाई डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
सो डेंसिटी का बच्चों रिलेशनशिप अपना क्या होगा, ठीक है। सो डेंसिटी का दोस्तों जो फॉर्मूला अपन लोगों ने निकाला था दैट वाज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास किसका लेंगे, एक एटम का मास लेंगे। सो एक एटम का मास कितना होगा, उसके एटॉमिक वेट जितना एमयू के बराबर। एक एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक वेट जितना एमयू के बराबर। सो वन इंटू एटॉमिक वेट, वन इंटू एटॉमिक वेट और वन एमयू, गाइज वन एमयू वॉज इक्वल टू वन अपॉन एन ए और 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, ठीक है, -24 ग्राम। ये दोस्तों हम लोगों ने जाना था 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, ये दोस्तों हमने जाना था -24 ग्राम, ठीक है, ये दोस्तों हम लोगों ने जाना हुआ था। इसको 1/n भी लिख सकते, सो दैट इज द मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या ले लेंगे भाई, ए क्यूब ले लेंगे। तो ये दोस्तों अपना डेंसिटी का रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने अगली फीचर के बारे में, विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, आई वुड आल्सो लाइक टू डिराइव द रिलेशन एक्सप्रेशन फॉर पैकिंग एफिशिएंसी। यस बच्चों, देयर इज वन मोर थिंग विच इज लिटिल क्रूशियल, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी आइए चलिए जान लेते हैं गाइज। पैकिंग एफिशिएंसी से हमारा मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें तो हम दोस्तों यहाँ पर ये यह पाएंगे कि देर इज़ लॉट ऑफ स्पेस। इस यूनिट सेल की बच्चों सारी की सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा हम देख रहे हैं बच्चों खाली स्पेस भी है। तो इस क्यूब का, इस यूनिट सेल का कितना परसेंट रीजन ऑक्यूपाइड है एटम से, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। इस क्यूब के टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज वॉल्यूम एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड है, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी होती है हमारी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। पैकिंग एफिशिएंसी दोस्तों अपनी होती है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इन 200। सो हमको एफिशिएंसी आ जाएगी। अब दोस्तों ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपनी क्या होगी, इस क्यूब में कितने एटम है भाई, इस क्यूब में एक एटम है, इस क्यूब में कितने एटम भाई, एक एटम है। सो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, इंटू हंड्रेड कर देंगे, ठीक है। अब 100 कर दिया, अब हमने ए और आर में, आप जानते हो बच्चों देयर इज अ रिलेशनशिप, ए इज इक्वल टू 2r। सो अगर ए बराबर 2r है, अगर दोस्तों a बराबर 2r है तो मैं यहाँ पर a की जगह 2r रख दूंगा और इससे बच्चों r अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो एक्सप्रेशन यहाँ पर जो आएगा उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है वहाँ पे मैं ले आता हूँ। सो द एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा 4/3 πr³ और a की जगह पर 2r रखने पर 8r³ आ जाएगा इंटू 100। अब ये r³ से r³ कट जाएगा एंड 4 और 8 कट जाएंगे। सो द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी π × 100 upon 6, 3 और 2 मिलकर के 6 और ये हो जाएगा 314/6। और ये जो वैल्यू जब हम सॉल्व आउट करते हैं, जब हम दोस्तों इस वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू दोस्तों अपनी निकल करके आएगी 52%। तो ये वैल्यू दोस्तों अपनी निकल के आएगी 52%। ये वैल्यू दोस्तों अपने 52% निकल करके आएगी, 52-53% ऐसे दोस्तों ये वैल्यू अपनी निकल करके आएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स बच्चों हमारे पूरे के पूरे यूनिट सेल का, दैट मीन्स गाइज हमारे पूरे के पूरे यूनिट सेल का 52% रीजन, 52% रीजन बच्चों हमारा एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड है। सो काफ़ी सारी स्पेस, ऑलमोस्ट बच्चों हाफ ऑफ द स्पेस इज वेकेंट। तो यही यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी का फंडा है। अब दोस्तों हम लोग आएंगे अपने आगे जो हम लोग का मेन चीज़ है, जो बच्चों मेन कंसेप्चुअल और विजुलाइजेशन वाली चीज़ है, विच इज़ बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हमने हर एटम, हर एंगल के एटम का बच्चों निकालेंगे एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, इनके बारे में बात करते हैं। तो आइए चलिए उस पर आते हैं। ओके गाइज, सो अब चलिए हम लोग विजुलाइज करते हैं नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। गाइज देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स टच्ड बाय एन एटम
टच्ड बाय एन एटम इन इंटायर लैटिस। बच्चों पूरे के पूरे लैटिस में एक एटम कितने लोगों को टच करता है, इसको हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये बहुत विजुलाइजेशन की चीज़ है और हमने बच्चों इसके लिए बहुत अच्छा एक एनिमेशन भी बना रखा था, सो आई होप आपने उसका काफ़ी एडवांटेज लिया होगा। एक बार फिर से इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पर रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, सो जैसे कि बच्चों हमारे पास ये एक एटम है, कॉर्नर पे ये एटम है। दोस्तों ये जो एटम है ये पूरी तरीके से इस एक यूनिट सेल के अंतर्गत नहीं आता है। एक एटम बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है और उसका एक यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आता है, 1/8। ठीक है, सो बच्चों ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, ये कॉर्नर पे एटम है। अब बच्चों ये एटम पूरे लैटिस में किस किस को टच करेगा, सो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से एटम हैं जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं जिनको ये टच कर रहा है। सो देर इज़ वन एटम जिसको कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शो किया हुआ है बच्चों, रेड कलर का। ठीक है, एक एटम बच्चों मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ यहाँ पर पीछे की तरफ ब्लैक कलर का। सो एक एटम है बच्चों पीछे की तरफ ब्लैक कलर का और एक और दोस्तों एटम है अपना रेड कलर का जो कि अपना इस दिशा में होगा। ठीक है गाइस, इस तरह से। सो ये वो एटम्स होंगे जिनको बच्चों ये हमारा ब्लू वाला एटम टच कर रहा है। भाई देखो ये जो एटम है अपना, ये अपना एक्स एक्सिस में एक एटम को टच कर रहा है, एक वाई एक्सिस में एक एटम को टच कर रहा है और एक जेड एक्सिस में एक एटम को टच कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही दोस्तों प्लस एक्स में एक एटम को टच कर रहा है, माइनस एक्स में एक को टच करेगा, ऐसे ही प्लस वाई में एक को टच करेगा, तो एक पीछे पीछे की तरफ भी एक और बच्चों ब्लैक कलर का एटम होगा उसको भी ये टच करेगा, एक आगे की तरफ एक और ब्लैक कलर का एटम होगा उसको भी ये टच करेगा। ऐसे ही दोस्तों एक एटम दोस्तों अपना नीचे की तरफ होगा, इसमें नीचे की तरफ भी एक एटम होगा जिसको ये टच करेगा और इसी तरह से एक एटम ऊपर की तरफ होगा जिसको भी ये टच करेगा। सो इन ऑल डायरेक्शन बच्चों, इन ऑल डायरेक्शन एक्स एक्सिस में एक आगे एक पीछे, वाई एक्सिस में एक साइड एक लेफ्ट और जेड एक्सिस में बच्चों एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बच्चों यहाँ पे देखना है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर होगा दोस्तों 6 होगा। सो हर एक एटम पूरे के पूरे लैटिस में 6 एटम को टच करेगा। हर एक एटम बच्चों पूरे के पूरे लैटिस में 6 एटम को टच करता है। ठीक है, कौन कौन से 6 एटम, जैसे कि हम लोग यहीं पर ही देख रहे हैं, ये एटम दोस्तों अपना नीचे एक एटम को टच कर रहा है, जिस तरह से नीचे टच कर रहा है वैसे ही एक एटम को ऊपर भी टच करेगा। इसी तरह से ये एटम एक इधर पे एक एटम को टच कर रहा है, जैसे इधर टच कर रहा है वैसे ही इस साइड भी टच करेगा। इसी तरह से ये एटम इधर पे एक एटम को टच कर रहा है, जैसे इधर पे टच कर रहा है वैसे ही यहाँ पर भी एक एटम को टच करेगा। सो एक्स एक्सिस में 2, एक आगे एक पीछे, वाई एक्सिस में 2, एक आगे पीछे और जेड एक्सिस में 2, एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से हर एक एटम ऊपर इस तरह से बच्चों 6 लोगों को टच करेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 6 होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलिए बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम और उनकी डिस्टेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और उनकी डिस्टेंस। और उसके बाद अगर आप और आगे जाना चाहें तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और उनकी डिस्टेंस, ये दोस्तों हमको निकालना है। क्या भाई हमको निकालना है, जरा समझते हैं मैटर को। दोस्तों देखिए, अब हमको निकालना है कि एक एटम जो हमारा कहाँ पर है, लैटिस में। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना, एक एटम बच्चों जो कहाँ पर है, लैटिस में। एक एटम जो लैटिस में मौजूद है उससे सबसे करीब जो एटम होगा वो कितनी दूरी पर है और उस तरीके के कितने एटम उतनी दूरी पर उस एटम के आसपास है। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम और उनकी दूरी, ये बताना है। फिर उसके बाद नियरेस्ट एटम के बाद आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और उनकी दूरी, मतलब सेकेंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जो एटम है उनकी संख्या और उनकी दूरी का आपको बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की संख्या और उनकी दूरी के बारे में बताना है। बहुत बढ़िया बच्चों, कंसेप्चुअल चीज़ है, पूरे के पूरे लैटिस में आपको बताना है बच्चों। ये चीज़ यूनिट सेल में नहीं डिफाइन है, ये चीज़ पूरे के पूरे लैटिस में डिफाइन है। आपको बताना है बच्चों पूरे लैटिस में नंबर ऑफ नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और उनकी दूरी बतानी है। ठीक है, आप लोग सोचिए इसको,
वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज़ होती है ये, आइए चलिए इसको देख। ओके गाइस, सो आइए चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपनी नंबर ऑफ नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम के बारे में आइए चलिए भाई बात करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अपने पास ये यहाँ पर एक एटम मौजूद है, अपन ने भाई सबसे पहले यूनिट सेल अपने पास यहाँ पर है और हमने क्यूब ले लिया है जहाँ पे हमने एटम को मौजूद रखना है, ठीक है। भाई देखो मैं पूरे के पूरे एटम अगर बनाऊंगा इस तरह से टचिंग दिखाते हुए तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, ठीक है। सो मैंने दोस्तों अपना ले लिया, ये मेरा एक्स है जो कि मेरा स्टैंडर्ड एटम है, मैं इसी एटम से सारे एटम्स की दूरी को निकालूंगा। ये मैंने एक्स बच्चों अपना स्टैंडर्ड एटम लिया हुआ है, ठीक है। और अब मैं बच्चों इससे सारे एटम्स की दूरी को यूनिट सेल में जो है उनकी मैं दूरियाँ मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले जो सबसे क्लोजेस्ट एटम है इसके, भाई देखो एटम में टचिंग कहाँ होती है, जो एटम टच कर रहा है उससे ज़्यादा करीब क्या होगा ना। सो जो एक्सिस के लॉन्ग जो एटम होंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग जो एटम है, ये एटम दोस्तों जिनको मैं वाई से मार्क कर रहा हूँ, जिनको मैं दोस्तों वाई से मार्क कर रहा हूँ। सो बच्चों ये जो एक्स है, ये एक्स हमारा इन तीन वाई एटम्स को टच कर रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। एक्सिस के लॉन्ग एटम की टचिंग होती है, ये देखो एक्सिस के लॉन्ग एटम टच कर रहे हैं ना, एक्सिस के लॉन्ग देखिए एटम टच कर रहे हैं। सो इसी तरह से ये जो हमारा एक्स एटम है, जो स्टैंडर्ड एटम है, ये इन वाई एटम्स को टच कर रहा है। तो जो वाई है हमारी, ये कौन है बच्चों, नियरेस्ट एटम। ये जो वाई हमारे कौन है, नियरेस्ट एटम है, ये वाई हमारे कौन है, नियरेस्ट एटम है। और इनकी बाय द वे दूरी कितनी है, इनकी बच्चों दूरी है ए लेंथ, ये भाई ए लेंथ पे मौजूद है। और पूरे के पूरे लैटिस में इनकी संख्या कितनी होगी, सिक्स। सो नियरेस्ट एटम भाई, जो नियरेस्ट एटम है, जो नियरेस्ट एटम है उनकी दूरी बच्चों कितनी है, ए, और उनकी संख्या कितनी है, सिक्स। देयर आर सिक्स एटम प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए इन एंटायर लैटिस, पूरे के पूरे लैटिस में। और इससे ज़्यादा करीब दूरी पे एटम मौजूद नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा करीब कोई और एटम नहीं होंगे। इसके बाद बारी आती है बच्चों किसकी, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की। इसके बाद भाई बारी आएगी नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की, चलिए भाई नेक्स्ट नियरेस्ट एटम को देखते हैं। सो पहले हम लोग यूनिट सेल में देख लें नेक्स्ट नियरेस्ट एटम जो है उनको, चलिए पहले यूनिट सेल में देख लेंगे, उसके बाद बाकी जगहों पे देख करेंगे। भाई देखो पूरे के पूरे यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, आठ, चार ऊपर चार नीचे। अभी हमने कितने एटम को शो किया भाई, चार को शो किया है। सो बाकी के जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, भाई एक एटम यहाँ पे होगा जेड जिसको मैंने मार्क किया, एक एटम यहाँ पे होगा जेड, और एक एटम यहाँ पे होगा जेड। क्या आप इन जेड की बच्चों दूरी बता सकते हैं, ये जेड कितनी दूरी पे, दे आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए, दे आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए। ये जो जेड एटम से बच्चों, ये रूट टू ए डिस्टेंस पे है। और ये रूट टू ए कैसे आया, सारा बच्चा जानता है भाई, ये ए है, ये भी ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों ये जो लेंथ होगी, जिसे हम कहते हैं क्या बच्चों, फेस डायगनल, जिसे हम कहते हैं बच्चों फेस डायगनल, ये जो फेस डायगनल बच्चों लेंथ होगी, दे आर गोइंग टू बी रूट टू ए, ठीक है भाई, ये रूट टू ए लेंथ पे होगी। सो जो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स हैं सेल में या फिर पूरे के पूरे लैटिस में, उनकी बच्चों दूरी है रूट टू ए, उनकी भाई दूरी है रूट टू ए। और पूरे के पूरे लैटिस में बच्चों, पूरे के पूरे लैटिस में एक एटम से रूट टू ए लेंथ पे कितने एटम्स होंगे, एक एटम से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक एटम से रूट टू ए लेंथ पे पूरे के पूरे इंटायर लैटिस में कितने एटम होंगे, ये दोस्तों आपको बताना है। एक बहुत ही बढ़िया बच्चों एक कंसेप्चुअल इसका आंसर होने वाला है। सो मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसका आंसर निकालें दोस्तों। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। सो देर आर 12 एटम्स इन एंटायर लैटिस प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए, पूरे के पूरे लैटिस में, ठीक है गाइस, लैटिस में भाई पूरे के पूरे लैटिस में दोस्तों रूट टू ए लेंथ पर 12 एटम होंगे। अब ये कैसे 12 हुए, इसको भाई थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस, ये अब ज़रा समझते हैं। भाई देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है, बट कंसेप्ट है, समझ में आएगा, क्यों नहीं भाई समझ में आएगा, कंसेप्ट ही तो है, आराम से समझ में आएगा। तो आइए चलिए मैं आपको इसके लिए एक फिगर बनाता हूँ। सो भाई मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों देखिए मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक बहुत ही एक 3D फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, और चूंकि अभी हम क्लास में नहीं, हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो हम लोग अपने घरों से ही भाई आपको समझा रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के स्टैटिक वीडियोस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
भाई देखो समझो बच्चों, मैंने यहाँ पर चार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाए हुए हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे चार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाए हुए हैं और मैं इनको बच्चों कहाँ से देख रहा हूँ, टॉप से। मैं बच्चों इनको टॉप से देख रहा हूँ। सो मैंने बच्चों चार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को टॉप से देख रहा हूँ। चार क्यूब बच्चों आपने लाइन से लगा दिए हैं और आप इनको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम बच्चों बताइए कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। बच्चों एटम्स आर प्लेस्ड एट क्यूब के कॉर्नर पे। यस बच्चों एटम्स हमारे कहाँ होते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं। अब ये बच्चों एक एटम है जो टोटल आठ यूनिट सेल में शेयर होता है, चार नीचे की तरफ और ऐसे ही चार ऊपर की तरफ यूनिट सेल होंगे। मुझे बच्चों लेनी है कौन सी दूरी, रूट टू ए लेंथ पर। मुझे बच्चों कौन से एटम को पकड़ना है, वो एटम जो इससे नेक्स्ट नियरेस्ट दूरी पर है। बच्चों नेक्स्ट नियरेस्ट वाले एटम टच तो नहीं करते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट वाले एटम बच्चों एक दूसरे को टच तो नहीं करते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे, वो ये फेस डायगनल दूरी पर जो एटम मौजूद होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कहते हैं, ठीक है। फेस डायगनल वाले ये है, फेस डायगनल वाला ये है और ये है, ये सब बच्चों फेस डायगनल वाले एटम हैं। सो दोस्तों ये जो हमारा एटम है इससे कितने एटम फेस डायगनल दूरी पर होंगे जो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये चार, ये चार कितने होंगे बच्चों, ये चार। सो दोस्तों देर इज अ प्लेन बच्चों, ये एक प्लेन है, ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में देर आर फोर एटम्स प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए। मैं बच्चों पूरे लैटिस को देख रहा हूँ। सो हमें सिर्फ एक यूनिट सेल नहीं देखना है, हमें सारे यूनिट सेल देखने हैं। अगर कोई बोले एक यूनिट सेल में कितने एटम है रूट टू ए लेंथ पे, तो भाई तीन है। एक यूनिट सेल में भाई तीन एटम होते हैं रूट टू ए लेंथ पे, लेकिन हमने सारे लैटिस में देखना है, ठीक है। सो सारे लैटिस में कितने एटम्स है रूट टू ए लेंथ पर, उनकी संख्या होती है बच्चों 12। अब हम इन 12 को विजुलाइज करना चाह रहे हैं। इन 12 को विजुलाइज कराने के लिए मैंने आपको एक प्लेन ऑफ एटम दिखा दिया। इस प्लेन ऑफ एटम में ये चार एटम है इसके रूट टू ए लेंथ पर। बच्चों टोटल कितने प्लेन होते हैं, बच्चों टोटल होते हैं तीन प्लेन। हर प्लेन में कितने एटम है, हर प्लेन में कितने एटम है रूट टू ए लेंथ पे, हर प्लेन में है चार एटम। फोर एटम्स आर प्रेजेंट एट ए लेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए लेंथ इन एवरी प्लेन। सो टोटल तीनों प्लेन में कितने हो जाएंगे, 12 एटम। अब ये 12 एटम कौन कौन से होंगे, चलिए भाई ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मैंने एक्स वाई प्लेन आपके लिए मैंने दिखाया हुआ है, ऐसे ही दोस्तों आपने एक वाई जेड प्लेन भी लेना है। अब बच्चों वाई जेड प्लेन लीजिए, वाई जेड प्लेन लोगे तुम लोग बच्चों, वाई जेड प्लेन ये मैंने खड़ा खड़ा प्लेन ले लिया वाई जेड प्लेन। अब इस वाई जेड प्लेन में ये एटम है बच्चों, इस वाई जेड प्लेन में ये एटम होगा, इस वाई जेड प्लेन में पीछे की तरफ ये एटम होगा, इस वाई जेड प्लेन में ऐसे ही एक एटम होगा और इस वाई जेड प्लेन में ये कैसे एटम होगा, ठीक है गाइस। सो ये हमारे इस तरीके से वाई जेड प्लेन में, इस खड़े वाले प्लेन में भी चार एटम्स होंगे जो इससे रूट टू ए लेंथ पे मौजूद होंगे, ठीक है। आप बच्चों देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये जो है ना ये वाई जेड प्लेन और ये एक्स वाई प्लेन वाला ये एटम था, ठीक है इस तरीके से। और ऐसे ही दोस्तों ऐसे ही हमको एक तीसरा प्लेन भी लेना होगा, एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया हमारा, तो इसके बाद में जेड वाई प्लेन होगा, जेड वाई प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन, अच्छा एग्जेड प्लेन होगा अगला हमारा बच्चों, एग्जेड प्लेन होगा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। अब देखो एग्जेड प्लेन कैसा होगा गाइस, देखो एग्जेड प्लेन होगा इसके एकदम परपेंडिकुलर में, एग्जेड प्लेन होगा हमारा एकदम इसके परपेंडिकुलर में इस तरीके से। ये वाई जेड प्लेन था तो ये एग्जेड प्लेन है। इसी तरह से दोस्तों एग्जेड प्लेन में भी होंगे और वहाँ पर भी ऐसे ही बच्चों चार बंदे होंगे जो इससे इस दूरी पर मौजूद होंगे, वहाँ पर भी दोस्तों इस तरह से चार बंदे होंगे जो इससे इस दूरी पर मौजूद होंगे। समझो जरा मेरे अब इस हाथ को देखो बच्चों, इस प्लेन में तीन एटम्स चार एटम्स है, इसी तरीके से फिर एक इस प्लेन में चार एटम्स होंगे और अब मेरे इस हाथ के परपेंडिकुलर में ये वाला हाथ, इस प्लेन में भी बच्चों चार एटम्स होंगे। सो इन एवरी प्लेन, इसमें चार, इसमें चार, इसमें चार और फिर लेटे हुए प्लेन में चार। सो एवरी प्लेन में बच्चों आपको चार एटम्स मिलेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना, रूट टू ए, ठीक है। इसके बाद भाई दूरी आती है, बारी आती है भाई किसकी, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की गाइस। इसके बाद दूरी आती है, बारी आती है नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। देर आर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट एट नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, हाउ मेनी नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स आर प्रेजेंट इन एंटायर लैटिस और उनकी दूरी क्या है। तो चलिए इसको समझा रहा हूँ मैं भाई। देखो मैंने जैसे जो क्यूब बच्चों बनाया हुआ था, उस क्यूब में मैंने ये ले लिया था अपना स्टैंडर्ड एटम, मैंने बच्चों ये ले लिया था स्टैंडर्ड एटम, ये मैंने ले लिया था स्टैंडर्ड एटम एक्स। इस एक्स से सबसे नियरेस्ट एटम कौन कौन से थे, जो नियरेस्ट एटम थे उनको मैंने कर दिया था वाई। सो दिस गाय इज वाई, ये भी वाई होगा और ये भी वाई होगा, ये सारे के सारे वाई थे।
इसके बाद अगले एटम कौन थे? ये तो हमारे नियरेस्ट थे, इसके बाद अगले थे हमारे नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, ये जेड था, फेज डायगनल वाला जेड था, और ये भी हमारा फेज डायगनल वाला जेड है। कितने एटम मैंने मार्क कर दिए? एक रेड वाला, तीन ब्लू वाले और तीन ऑरेंज वाले। सो टोटल कितने हो गए? तीन, तीन छः और एक सात। टोटल कितने एटम होते हैं? आठ। सो एक एटम बच्चों बचा हुआ है, बच्चों एक एटम बचा हुआ है, वो कौन सा एटम है? ये वाला एटम बच्चों, एक एटम बचा हुआ है, ये वाला एटम। और ये बच्चों कौन सा एकदम? क्यूब डायगनल बच्चों, क्यूब के दो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड क्यूब डायगनल। और ये हमारा सबसे दूरी पर एटम, ये है बच्चों सबसे दूरी पर एटम। और जो क्यूब का डायगनल होता है उसकी बच्चों लेंथ होती है रूट थ्री ए, उसकी बच्चों लेंथ होती है रूट थ्री ए। और इस तरीके के कितने एटम्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों इस तरीके के जो एटम्स होंगे उनकी संख्या होगी, देयर आर टोटल एट एटम्स प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए, ठीक है, इन एंटायर लैटिस, इन एंटायर लैटिस। किसी भी यूनिट सेल से, किसी भी यूनिट सेल के एक एटम से रूट थ्री ए लेंथ पर पूरे के पूरे लैटिस में कितने एटम्स होंगे? रूट थ्री ए लेंथ पर, एक एटम से रूट थ्री ए लेंथ की दूरी पर कितने एटम्स मौजूद होंगे? आठ एटम्स होंगे। अब कैसे आठ एटम्स होंगे आइए जानते हैं, ठीक है, कैसे आठ एटम्स होंगे आइए चलिए जानते हैं। ओके बच्चों, सो हम लोग अब आ गए हैं अपने सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम पर। किसी भी एटम से, किसी भी एटम जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मौजूद है उससे रूट थ्री ए लेंथ पर कितने एटम्स पूरे लैटिस में मौजूद हैं, क्योंकि रूट थ्री ए लेंथ ही हमारी क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की दूरी। सबसे करीबी एटम की दूरी ए, जो एकदम एच के अक्रॉस है ए। उसके बाद सबसे अगली करीबी दूरी रूट टू ए, जो कि कहाँ पर है? फेज डायगनल की दूरी पर मौजूद है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा दूरी है हमारी रूट थ्री ए, जो कि एकदम क्यूब डायगनल पे मौजूद है रूट थ्री ए पे। सो बच्चों जैसे कि मैंने ये अपना एक एटम लिया हुआ है, इस एटम में इसके अपोजिट कॉर्नर, इस एटम में बच्चों इसके अपोजिट कॉर्नर ये है, और ये हमारा बच्चों, ये हमारा स्काई ब्लू और ब्लैक एटम, इनके बीच की बच्चों जो दूरी होगी दैट इज गोइंग टू बी रूट थ्री ए, दैट इज गोइंग टू बी रूट थ्री ए। इनके बीच की जो दूरी होगी बच्चों दैट इज गोइंग टू बी रूट थ्री ए, ठीक है। अब हमने बच्चों पूरे के पूरे लैटिस में देखना है, पूरे के पूरे लैटिस। एक लैटिस बहुत बड़ा होता है और इसी के लिए हमने एक बहुत ही पावरफुल एक एनिमेटेड वीडियो भी आपके लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बना करके आपके लिए यूट्यूब पे शेयर किया हुआ, जिसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में बच्चों सारे वीडियो मैंने डाल दिए सॉलिड स्टेट के। सो बच्चों जैसे कि ये एटम है, अब बच्चों इनमें से कुछ एटम जो रूट थ्री ए दूरी पर हैं वो मैं बच्चों आपके साथ शो कर सकता हूँ। देखो यार, ये जो एक एटम होता है, इस एटम का वन एट्थ हिस्सा एक यूनिट सेल में होता है, और एक एटम पूरे के पूरे आठ यूनिट सेल में शेयर होता है। आठ में से चार मैंने नीचे वाले दिखा दिए नीचे, ऐसे ही चार इसके ऊपर भी बच्चों चार यूनिट सेल रखे होंगे, तो पूरा का पूरा स्पीयर आठ यूनिट सेल में शेयर हो जाएगा। अब गाइस उन आठ को हम नहीं दिखा सकते एक साथ, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगी, तो इसीलिए हमने चार दिखाए। अब इन चार में से मुझे वो देखने वो सारे एटम जो कि रूट थ्री ए दूरी पर मौजूद हैं। देखो दोस्तों, ये एक एटम होगा जो इससे रूट थ्री की दूरी पर होगा, ये एटम इसके एकदम क्यूब डायगनल पे है और ये रूट थ्री ए लेंथ पर है। ऐसे ही दोस्तों ये एक एटम होगा रूट थ्री ए लेंथ पर होगा, ऐसे ही दोस्तों ये एक एटम होगा जो कि रूट थ्री ए लेंथ पर होगा, और ऐसे ही दोस्तों हमारा यहाँ पर भी एक एटम होगा जो रूट थ्री ए लेंथ पर होगा, ठीक है। दोस्तों ये जो बीच में एक एटम है, इससे चार कोनों पर चार रूट थ्री ए लेंथ पर एटम मौजूद है, चार कोनों पर चार रूट थ्री ए लेंथ पर बच्चों एटम मौजूद है। जिस तरीके से चार रूट थ्री ए लेंथ पर नीचे की तरफ चार एटम मौजूद हैं, ऐसे ही बच्चों रूट थ्री ए लेंथ पर चार ऊपर की तरफ भी चार रूट थ्री ए लेंथ पर बच्चों एटम मौजूद होंगे। अब ये ऊपर कहाँ से? बच्चों एक एटम टोटल आठ यूनिट सेल में शेयर होता है, एक एटम बच्चों टोटल आठ यूनिट सेल में शेयर होता है। चार नीचे की तरफ होते हैं, चार नीचे की तरफ होते हैं, चार ऊपर की तरफ होते हैं। सो इसी तरीके से हर एक एटम आठ यूनिट सेल में शेयर होता है, और हर एक यूनिट सेल में उससे एक डायगनल, क्यूब डायगनल की दूरी पर एक एटम मौजूद होगा। जैसे कि ये जो हमारा एक एटम है रेड वाला, इससे हर क्यूब डायगनल की दिशा में नीचे की तरफ चार क्यूब में चार कॉर्नर्स पे चार रूट थ्री लेंथ पे एटम मौजूद है। तो चार नीचे वाले यूनिट सेल में और चार ऊपर वाले यूनिट सेल। तो इस तरीके से दोस्तों देर आर टोटल एट एटम्स, देर आर टोटल एट एटम्स, देर आर टोटल एट एटम्स, देर आर टोटल एट एटम्स प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ, प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए लेंथ, प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए लेंथ, ठीक है गाइस, ये यहाँ पर सीन होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी यहाँ पर बातें होती हैं।
सो सारी चीज़ों को बच्चों मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ अपनी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की इस अल्टीमेट वीडियो में, जिसमें हमने इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सो आइए चलिए कंप्लीट रिवीजन में आपको जल्दी से बच्चों कंप्लीट रिवीजन हम लोग अपना कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। कोई पूछे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, सो देर आर वन एटम पर यूनिट सेल। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक होता है। ठीक है, अगला बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा। अगर कोई हमसे पूछे भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स टच्ड बाय एवरी एटम इन एंटायर लैटिस। एक लैटिस में एक एटम कितने एटम को टच करता है लैटिस में, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 8, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है हमारा बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 6 बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। हर दिशा में बच्चों, हर दिशा में हमारा दो एटम होते हैं, एक्स एक्सिस में दो एटम, वाई एक्सिस में दो एटम और जेड एक्सिस में बच्चों दो एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है अपना 6। इसके बाद हमारा बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। सो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की होती है हमारी 52%, कहीं 53 रख देते हैं। सो बच्चों 52-53% इस तरीके से अपनी होती है। ठीक है, आप सबसे बेटर हो तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन निकाल के रख दो। इसके बाद बच्चों सेल रिलेशनशिप यहाँ पर क्या होता है, सेल रिलेशनशिप यहाँ पर भाई सेल रिलेशनशिप अपना होता है एटम्स की टचिंग जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे देखते हैं। सो एटम एटम के पैरामीटर और यूनिट सेल क्यूब के पैरामीटर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो, सो दैट इज़ a = 2r। ठीक है, a = 2r अपना हो जाता है। डेंसिटी की कोई अगर बात करेगा, सो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। एक यूनिट सेल में मास किसका है, एक एटम का मास, सो एटॉमिक वेट इंटू amu, विच इज amu/NA/aq। ठीक है, ये अपना जो डेंसिटी का रिलेशनशिप हो जाएगा, एक एटम का मास 1 × atomic weight × 1/NA, तो ये अपना ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप amu की वैल्यू लिख दो 1.66 × 10^-24 ग्राम या 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये अपना डेंसिटी का रिलेशनशिप आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आता था अपना नियरेस्ट एटम। सो नियरेस्ट एटम अपने नियरेस्ट एटम कितने होते थे हमारे, ए लेंथ पर है 6। उसके बाद भाई नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, सो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम अपने फेस डायगनल के अलॉन्ग होते थे √2a लेंथ पर, वो कितने होते थे भाई 12। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम ये हमारे बच्चों √3a लेंथ पर होते थे, कितने 8। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारा का सारा सीन होता है। ठीक है, तो अब चलिए बच्चों हम लोग मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। इसी तरह से सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में एनालाइज करने के बाद फिर आएंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो पर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।